आता, कोई भी नहीं आता। ना नारी साफ करे वाले आवे, ना कोई आवे, वो हम खुद उठा के डालते। नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद मुबशिर और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। नए एपिसोड में हम आज पहुंचे हैं जैतपुर गड्डा कॉलोनी वार्ड नंबर 184 में। यहां जानेंगे क्या है पब्लिक का मूड और किस तरीके से यहां पर जनता इस बार वोट करने वाली है और किसको करने वाली है, क्यों करने वाली है, किन मुद्दों पर करने वाली है। हालांकि जिस तरीके से पिछले वार्ड्स में आपने देखा कि अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग नेता हैं और अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन अब इस बार किस पार्टी का वर्चस्व रहेगा एमसीडी में कायम, क्या बीजेपी 15 साल का वर्चस्व कायम रख पाएगी, जानते हैं खुद सीधा जनता का मूड। इस वक्त मैं मौजूद हूं जैतपुर वार्ड 184 में। अमूमन यहां पर जो लोग हैं वो काफ़ी पुरानी बस्ती नहीं है, ये करीब 15 से 20 साल के अंदर ही ये बस्ती बसी है। पूर्व पार्षद बीजेपी से रहे हैं, कितना काम हुआ है जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं पूर्व पार्षद ने यहाँ पे कोई काम किया या नहीं किया अभी? पूर्व पार्षद ने यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं किया, उसने जनता से उगाही की है, सिर्फ बेकरी वालों से उगाही की है, बिल्डरों से उगाही की है। 700 रुपये लेंटर बिल्डरों से लिया जाता है, 700 रुपये पर लेंटर के हिसाब से, 700 रुपये गज के हिसाब से लिया जाता है, यानी 100 गज के लेंटर पर 70,000 रुपये एमसीडी वाले लेते हैं, जो यहाँ के पार्षद की मिली भगत से जाते हैं, यहाँ के विधायक की मिली भगत है। और आप गलियों का हाल देखिए, नाली भी आप देख लीजिए, कोई साफ सफाई कुछ नहीं होती यहाँ पर, बहुत बुरा हाल है। मुद्दे क्या हैं, अगर मैं बात करूँ मुद्दों की, तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके खास यहाँ पर जो है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है कि यहाँ गरीब लोग मकान नहीं बना सकते, उनसे 700 रुपये गज लिए जाते हैं, पुलिस अलग लेती है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का, यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं है, यहाँ गंदगी इतनी है, बेतहाशा गंदगी है यहाँ पर, कोई सफाई करने नहीं आता यहाँ पर, कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती, लोग अपना कूड़ा खुद अपनी बाइक से स्कूटर से जो है फेंकने जाते हैं। कोई कूड़ेदान नहीं है यहाँ? कोई कूड़ेदान नहीं है यहाँ पर, आप देख लीजिए गंदगी किस कदर है यहाँ पर। और ये देखिए आपके सामने एक प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट है, ये पूरा कूड़ेदान जो बनाया गया है, ये प्लॉट है जो यहाँ के किसी का प्लॉट है, और उस प्लॉट को पूरा कूड़ेदान बना। देखिए बॉर्डर के ऊपर तक आप देखेंगे कि यहाँ पर कूड़ा भरा हुआ है, ये रोड पूरे तरीके से खराब, और यहाँ जिस तरीके से गंदगी का अंबार है, और उसके बाद इस प्लॉट को ही कूड़ेदान बना दिया। फिलहाल इस वार्ड में कोई कूड़ेदान नहीं है। बीजेपी के पार्षद ने पिछले 5 साल में कितना काम हुआ, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा है इस बार पब्लिक का मूड क्या है? फिर देखिए हमारी दिल्ली में जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने काम किए हैं, हम सब भारतवासी ये देख रहे हैं इस अपने इस भारत में कि बहुत गंदी राजनीति को दर्शाया जा रहा है और बड़े ही गंदे लोग इस राजनीति में आते जा रहे हैं। कोई अपनी मातृभूमि, इसको बोलते हैं हमारी माता है ये, इस देश की इस मिट्टी को माता कहते हैं, और इस माता के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। यहाँ से पैसा लोगों से, देखिए किस तरह, आपको भाई बता रहे थे अभी कामिल भाई, कि किस तरह पैसा लोगों से लेंटर पे 700-700 रुपये का गरीब आदमी से लिया जा रहा है, और ये पैसा पुलिस के ज़रिए ये उगवाते हैं और नेता तक ये पैसा पहुँचता है। ये देखिए कूड़ा घर ये नहीं बना पा रहे, नाली आपने देखी ये साफ़ नहीं करा पा रहे, तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ बोरवेल अगर पानी के लिए, आप ये देखिए एक गरीब आदमी अब पानी भी नहीं पी सकता, अगर वो बोरवेल करेगा तो उस बोरवेल करने के लिए उसको 80,000-1,00,000 रुपया देना पड़ता है। जो बोरिंग यहाँ पे होती है उसके लिए जी, वो कौन लेता है? वो ये पुलिस वाले लेके जाते हैं, एमसीडी के अधिकारी पुलिस को साथ लेकर आते हैं, और यहाँ से जब तक आप किसी भी जो समर सेविल का यहाँ अपना सेट लगाता है, आप उससे खुद मालूम करो ये बात कि तू सेट कब और क्यों कैसे लगाता है, वो आपको क्लियर बताएगा कि मैं सेट जब लगाऊंगा जब मुझे पुलिस की तरफ से आप इजाज़त दे देंगे। तब पुलिस वाले जब इजाज़त दे देंगे तब वो आपकी बोरिंग होगी पानी, पीने के पानी के लिए, तब वो पीने के पानी के लिए बोरवेल करेगा और 70,000-80,000-1,00,000 रुपया देगा, तब वो ज़मीन में खड्डा करेगा। पूरा खर्चा कितना आता है बोरिंग में यहाँ पर? पूरा 1,00,000 रुपये लेता है, 80,000 रुपये पुलिस को चले जाते हैं और 20,000 रुपये जो अपना काम करता है मिस्त्री। अच्छा 20,000 रुपये तो वो उसके काम है बोरिंग करने वाले के, और 80,000 रुपये पुलिस के और एमसीडी के हैं यहाँ पर। जी ये यही हाल है भाई साहब। तो इस टाइम देखिए, वरना हम कोई उसके खिलाफ नहीं है, ये लोग काम करें। अभी आप उधर की तरफ देखिए, नाले की तरफ, पूरा नाला कूड़े से भरा पड़ा है, क्योंकि कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती, लोग मजबूर होकर प्लाटों में डाल रहे हैं, नालों में डाल रहे हैं। आप नाले के भी लाइव टेलीकास्ट इन्हें दिखाइएगा, आप वहाँ जाइए खुद सर्वे कीजिए, आपकी ये जो लोग अब बोल देंगे कि ये तो गलत बोल रहे हैं कि खामखा प्लाटों में खामखा डाल रहे हैं मुसलमान लोग, ये गलत बात है। आप वहाँ हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं,
वो आप नाले को देखिए, उसमें सिचुएशन ये है कि लोग अपने घरों से रात को निकलकर कूड़ा इसलिए डालते हैं कि कूड़े की कोई गाड़ी उनके घर पे ही नहीं आती, गली में ही नहीं आती जी। कूड़ेदान भी नहीं है, और कोई कूड़ेदान नहीं है, सिर्फ एक कूड़ेदान है जो NTPC पार्क के पास है, वो काफ़ी, लेकिन वो है, हम ये नहीं कहते कि कूड़ेदान नहीं है, है एक, लेकिन वो किस काम का जब वो गाड़ी ही नहीं आती यहाँ, जब कूड़ा ही नहीं उठता है, जब कूड़ा ही नहीं उठेगा तो अब आप ये बताइए ना, कूड़ा उठता है दूसरी तरफ का, यहाँ कूड़ा ही नहीं उठता। वो तो इसकी शिकायत आप लोगों को पार्षद से नहीं थी कि भैया ये भी इलाका आप ही के उसमें है और आप इसमें ना तो कूड़ा उठा रहे हैं, ना झाड़ू लग रही है, ना नालियों की सफाई हो रही है, क्या वजह है? पार्षद साहब कहते हैं कि मेरे पास गाड़ियाँ कम हैं, पार्षद साहब कहते हैं मेरे पे कर्मचारी कम हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं बेच पाते कि मैं मजबूर हूँ। तथा इनके हाथ में यहाँ की इस बदरपुर की होने के बाद भी ये जनता का कोई काम नहीं करा पा रहे, इसलिए अब यहाँ की जनता ने एक मूड बनाया है कि अरविंद केजरीवाल, वही एक भरोसा अब लोगों पे बनता जा रहा है। देखिए कि वो इंसान हमें, उसने बसें फ्री दी लेडीज़ के लिए, उसने हमें 200 यूनिट बिजली फ्री दी, उसने ऑटो को जो पास कराने के लिए, एक ऑटो वाले को ज़्यादा पैसा लगता था पिछली सरकारों में, अब इस बार वो बहुत कम हो गया, आप ये किसी भी ऑटो वाले से पूछ लीजिएगा। हम जो बात बताएंगे पानी, मतलब दिल्ली सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आप इस बार मूड पब्लिक का ये है कि आम आदमी पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोई भी गरीब आदमी सिर्फ यही चाहेगा कि उसको मूल सुविधा अच्छी तरह मिल जाए, और हमारा भरोसा अब केजरीवाल पर। बीजेपी तो कहती है कि फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं और आप लोगों को आदत पड़ गई है फ्री की रेवड़ियों। देखिए भाई साहब एक बात सुनिए, ये जो लोग बहते, ये नेता जो बोलते हैं, हमारा नेता केजरीवाल एक बात कह रहा है कि 4000 यूनिट जो MP को MLA को मिल रही हैं, 4000 यूनिट मायने रखती है एक महीने के अंदर भाई साहब, पानी फ्री, टेलीफोन फ्री, सारे भत्ते फ्री उसके लिए। तो अगर जनता, जब जनार्दन है और जनता ही मालिक है और हम ही लोग टैक्स देते हैं, और एक अगर माचिस भी खरीदते हैं या दूध भी खरीदते हैं या राशन भी खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं, तो अगर हमारे टैक्स को हमारे केजरीवाल ने हमको आधा, हमको बस के रूप में, बिजली के रूप में, पानी के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में अगर लौटा दिया, तो ये किलस्ते हैं, ये किलस्ते सिर्फ इसी वजह से है भाई साहब कि हम जनता को, जो हमारा केजरीवाल हमको कुछ पैसा, हमारी सहायता, हमारी मदद कर देता है इस महंगाई के दौर में, तो ये सोच रहे हैं कि ये इनकी मदद क्यों हो रही है, ये हमारे से दबे हुए रहे, हाथ भीख मांगते रहें, और मेरी देश की जनता अनपढ़ बनती चली जाए, गरीब होते चले जाए, और हम सत्ता पे काबिज होते चले जाए। ये बात निकलेंगी तो बहुत आगे तक जाएंगी, फिलहाल हम मुद्दे पर रहते हैं कि साफ सफाई के जो मुद्दे हैं, पार्षद का जो काम है उस पर, तो मैं आपके पास आऊँगा। आपको क्या लगता है यहाँ साफ सफाई हुई नहीं हुई? साफ सफाई नहीं हुई है। क्या मूड है इस बार केजरीवाल? केजरीवाल आपका क्या मूड है? सफाई तो होती नहीं है यहाँ, तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कतें हैं। 9 साल से मैं रह रहा हूँ, समर भी कराया, उसमें पुलिस वाले भी ले लेते हैं, और कूड़ेदान तो है ही नहीं, है भी है तो BJP की वो पार्षद हैं, वो भेजते ही नहीं, उन्हें पता बोर्ड नहीं मिलता यहाँ, अच्छा। तो वो भेजते ही नहीं, इस कारण वैसे काम ही नहीं होता, फिर काम ही नहीं होता बदर, और विधायक भी नहीं, आप लोग तो वोट करें उस लोगों को जो काम करें, मतलब जिस तरीके से, चाहे वो BJP हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये भी पार्षद की तरफ से देखा जाता है कि यहाँ वोट नहीं मिलता इसलिए काम ना कराएं? नहीं, वोट तो देने को करता है मन, मगर यह है कि काम ही नहीं होता तो फिर वोट देने का फ़ायदा क्या? केजरीवाल है, कुछ करा है, बहरहाल यह है कि बिजली लेडीज़ के लिए बस में कुछ करके दिखा रहे हैं, और आज हो सकता है कि अब आगे को ये काम कर दें तो फिर सरकार इनकी बनेगी। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी पर एक भरोसा जताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर इस वार्ड में, खासतर यह है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों आबादियाँ हैं यहाँ पर, मिली जुली आबादी है, उसके बावजूद भी यहाँ काम को लेकर स्थिति कैसी है? जैसा कि सामने खड़े हैं, 200 गज का प्लॉट कूड़ेदान बन चुका है, जो किसी का पर्सनल प्लॉट है लेकिन वो कूड़ेदान बना हुआ है। नालियों की हालत क्या है वो साफ सकते हैं, 5 साल पार्षद साहब कहते हैं कि यहाँ से वोट नहीं मिलता, इस वजह से यहाँ पर कोई भी काम कराने को पूरी तरीके से मना करते हैं या इनकार करते हैं या नहीं कराते हैं, अपनी मजबूरियां ज़रूर गिना देते हैं। आपको क्या लगता है कि अब आने वाले दिन अच्छे होंगे या और ख़राब होंगे या मूड बदले? अगर केजरीवाल आता है MCD में तो अच्छे दिन होंगे। हमारे इलाके में कोई काम नहीं हुआ, मुस्लिम इलाकों में कोई काम नहीं हो रहा, इस कॉलोनी में कोई काम नहीं हो रहा। हालात ये है कि एम्बुलेंस इस वक्त हमारे सामने जा रही है, लेकिन यहाँ पर इसको रास्ता दे दीजिए, इसके निकल जाने दीजिए एम्बुलेंस को। गलियों की हालत इस तरीके से कि एक एम्बुलेंस अगर इमरजेंसी में आ जाती है तो वो भी निकलना मुश्किल होता है, चाहे वो नालियों का पानी सड़कों पर हो या फिर दूसरी तरह से हैं, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आम दुश्वारें हैं, जो आम पब्लिक हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से मेन मुद्दे हैं, जिस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर, उसका निपटारा आगे होगा या नहीं होगा? अगर आम आदमी आएगा तो निपटारा होगा, और BJP आई तो निपटारा नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि हम 15 साल से देख रहे हैं यहाँ पर BJP आई है तो कोई काम नहीं करा उन्होंने।
तो बीजेपी तो ये कहती है कि 15 साल में एमसीडी को बहुत काम किया है, बहुत सारी चीजें की हैं। कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आपके वार्ड में कोई काम नहीं, कोई नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं हुआ। तो लोगों का अपना अलग अलग मानना है, अलग अलग परसेप्शन है, अब उनको जिस तरीके से भी सही लगता है, क्योंकि जब इलाके में काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है नाराजगी भी जाहिर है। अब केजरीवाल की सरकार आ जाएगी तो सारा सब यहाँ का गली सब ठीक हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ सब हाँ उम्मीद है, बदलाव पूरी तरीके से है, बिल्कुल सब ने मूड बना लिया है। हाँ अब यहाँ सब उनके वजह से हम लोग पूरे साल राशन खा रहे हैं फ्री, और पानी बिजली सब फ्री हम लोग का आ रहा है, बस स्कूल के बच्चों के सब ठीक हो रहा है। अब जब बोलने भी जाओ तब भी नाली नहीं साफ करते कि रोड पे आते हैं मगर गली में नहीं आते। तो बीजेपी के तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से क्या हाल हो रही है, हर चीज़ में परेशानी है, महंगाई है, गली गंद, हर चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है, कोई देख रेख नहीं, जाके बोलो जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं हो रहा है। हालत देखो यहाँ गलियों की, निकलने को पानी बिल्कुल ऐसा भरा रहता है, निकला नहीं जाता है, बहुत बुरा हाल, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता यहाँ पे नहीं। तो आपकी सोच आपकी ये है कि आपकी देखो केजरीवाल अगर आ जाते हैं अगर तो हो सकता है कि कुछ काम हो जाए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं बसों में, स्कूलों में, और क्या कहते हैं सारी चीज़ें हैं, पानी बिजली सब दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि अगर वो आते हैं तो इसमें भी क्या पता सुधार हो। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आता, नहीं नहीं नहीं, न नारी साफ कराए वाले आवे न कोई आवे, नहीं कम से कम हो गई 10-15 साल तो हो गई। हाँ नहीं कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, आते ही नहीं है। और क्या, जब कोई आता ही नहीं तो फिर कोई सुनवाई नहीं आता है। इस बार बदलाव और क्या, पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर सत्ता में पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी, तीनों में फाइट इस बात को लेकर है कि मुद्दे कौन भुना सकता है, जनता की आवाज़ कौन उठा सकता है। हालांकि 15 साल से ज़्यादा का लंबा समय बीजेपी ने एमसीडी पे की सत्ता पर रहा, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एमसीडी में नाराज़गी बीजेपी की नज़र आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 184 जैतपुर गड्ढा कॉलोनी है, ये यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार है बिलाल अहमद, इनकी पत्नी, हालांकि ये महिला सीट है, इनकी वाइफ जो है कांग्रेस की सीट पर है। आपको क्या लगता है कि पिछले 15 साल से बीजेपी यहाँ पर बीजेपी सत्ता में रही एमसीडी में, अब कांग्रेस का कितना वर्चस्व लग रहा है, कितनी वो लग रहा है, और मुद्दे क्या क्या हैं, मेन मुद्दे? देखिए वर्चस्व तो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, आप गली में जाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे तो वो खुद अपने आप को ठगा हुआ बता रहे हैं, और जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। रहा मुद्दे की बात तो हमारी कॉलोनी में ना ही एमसीडी की तरफ से कोई कार्य हुआ है और ना ही दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई कार्य हुआ है। आप खुद अभी सुस्ते वाली रोड से आए होंगे, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली के ठग अरविंद केजरीवाल साहब कई मर्तबा इस रोड से आए हैं, और उनके मंत्री भी अभी तीन दिन पहले यहाँ पर नाच गाना करके गए हैं, कोई घोषणा करके नहीं गए हैं, इसी रोड से आए हैं। इस रोड ने अब तक तकरीबन 150 से 200 बच्चों की जान ले ली है, और वजह रोड इतना पतला है और पुश्ता रोड बना हुआ है, रोड पूरी तरीके से टूटा हुआ है, और रोड इतना पतला है कि अगर उधर से कोई गाड़ी आ जाए, इधर से गाड़ी आ जाए तो पूरी रास्ता जाम हो जाता है, 2 से 3 घंटा लगता है, लोग यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। तो एक तो हमारा मुद्दा ये हुआ, जबकि ये हमारे अंडर नहीं आता है, लेकिन हम DM साहब से, SDM साहब से, ACP से, DCP से, जो हमारे माननीय सांसद साहब हैं, जो माननीय MLA साहब हैं, मैं उनसे अपना प्रस्ताव रखूंगा, अगर आप एक हफ्ते के अंदर इस रोड का काम नहीं चालू कराते हैं, मैं और जैतपुर के तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को और 36 बरादरी के लोगों को, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, सभी को लेके जाऊंगा, अपना JCB अपने पैसों से अपना काम चालू करा दूंगा, ऑटोमेटिक फिर DM भी आ जाएंगे, SDM भी आ जाएंगे, तो इस काम को मैं जल्द से जल्द चालू कराऊंगा। फिर उसके बाद हमारे यहाँ ना अब तक कोई स्कूल है, एक स्कूल है जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने ज़मीन दी थी जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन पिछले 5 साल में हमारा स्कूल बन के तैयार नहीं हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी में रहे हुए MLA जो कहते हैं हमारे
एजुकेशन मॉडल देश नहीं विदेश में चर्चित है। तो मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा टाइम निकाल कर उस स्कूल पे भी जाएं, उसकी उसकी सिचुएशन को देखें, ना वहाँ पे पूरी तरीके से टीचर हैं, ना वहाँ पे बच्चों को अभी तक बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, यानी एजुकेशन मॉडल पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और वो स्कूल 12वीं क्लास तक बनना था, वो अभी 8 क्लास तक बना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कल ही आपको वहाँ पर खुल जाएगी, आप देखिएगा। ना हमारे यहाँ कोई बारात घर है, पिछले कई सालों से एमसीडी का कोई बारात घर नहीं है, कोई भी नहीं, ना ही एमसीडी का कोई बारात घर है, ना दिल्ली गवर्नमेंट का कोई बारात घर है, और ना ही जो दिल्ली में शासन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, ना ही उनकी तरफ से कोई बारात घर है। और इसी तरीके से ना कोई हॉस्पिटल है, ना एमसीडी की तरफ से कोई बड़ी डिस्पेंसरी है, और ना ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बड़ी डिस्पेंसरी है। वो तो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक हमने हर जगह खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक आप खुद जाइए, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक के बाहर लोग शराब पीते हुए आपको मिल जाएंगे, जो ठेके खुल गए वहाँ पर और उन पर ताला लगा हुआ है, उसकी सिचुएशन खुद आप उनकी पोल खोल सकते हैं। यानी बेसिक एम्यूनिटीज़ के नाम पर ये नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ पर हैं, इनके पढ़ाई के लिए कोई एजुकेशन सेंटर नहीं है यहाँ पर, कोई कोचिंग सेंटर नहीं यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और बताइए, 5 साल बीजेपी यहाँ पर रही, पार्षद बीजेपी के रहे, आपको क्या लगता है कुछ काम किया उन्होंने या नहीं किया, या क्या मेन वजह थी? कल को अगर जनता आपको चुनती है, ये जनता आपके पीछे खड़ी है, कल को ये चुनती है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा एमसीडी के अंडर में रह के? जी देखिए, जो सबसे पहले मेरा काम होगा कि हम एक एमसीडी की तरफ से एक अच्छा स्कूल बनवाएं। ठीक है। दूसरा काम जो होगा हमारा बारातघर होगा जो कि एमसीडी के अंतर्गत आता है, हम उसको बनवाएं। तीसरा काम होगा हमारा कि एमसीडी की तरफ से एक अच्छा पार्क बनवाएं उन बच्चों के लिए जो देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई फोर्स में जाना चाहता है, कोई सीआईएसएफ में जाना चाहता है, तो हम उनके लिए इस तरह की तमाम सुविधाओं को उपलब्ध करवाएंगे। ये कोई पानी, सीवर, नाली, कूड़ा, ये सब मुद्दे नहीं है मेन। देखिए ये मुद्दा, ये तो ऑटोमेटिक ये चीज़ हो जाएगी, जब हमारे पास 200 कर्मचारी होंगे ऑटोमेटिक वो लग जाएंगे, पेट भरा हुआ है। लोग पार्षद बनते हैं पैसे कमाने के लिए, ऊपर वाले का ईश्वर का बहुत ही करम है कि हम यहाँ पर सेवा करने आए हैं। और इस बात को हमने बताया भी है कि पिछले 7 सालों में जिस तरीके से सेवा हुई है, आपको ये जन समर्थन जो दिख रहा है इसी वजह से दिख रहा है, जो हमारे भाई हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी इसी वजह से हम पर समर्थन दिया है। चाहे नाली का मुद्दा हो, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो, रोड पे झाड़ू लगाने का मुद्दा हो, सीवर लाइन का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे तो 101% उठाए जाएंगे, लेकिन एजुकेशन का मुद्दा कौन उठाएगा? बहन बेटे जो शादी होती उनका मुद्दा कौन उठाएगा? जो बच्चियां पढ़ना चाहती, स्किल डेवलपमेंट करना चाहती, उनका मुद्दा कौन उठाएगा? चलिए ये तो बात हो गई, क्योंकि आप नेता हैं और यहाँ से कैंडिडेट भी हैं, आपकी पत्नी कैंडिडेट भी हैं, जनता से बात कर लेते हैं, क्या लगता है कि नेताजी जो वादे कर रहे होंगे उतने? देखो जी, हमारे 5 साल से जो है पार्षद हैं वो कभी हमारी कॉलोनी में ना तो कूड़ा उठवाते हैं, ना नाली साफ करवाते हैं। पानी की इतनी बड़ी समस्या है कॉलोनी में, बहुत ज़्यादा कूड़े की। ऐसा तो नहीं नेताजी बगल में खड़े हैं इसलिए बोल रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें नेताजी से भी कोई लालच नहीं है, हमें बस अपनी गली मोहल्ला कॉलोनी साफ सुथरी चाहिए। और पानी कूड़ा वगैरह उठता नहीं? उठता, कोई कूड़ा नहीं उठता, कोई गली साफ सुथ नहीं होती है 5 साल में। कोई देख, आप गली में जाके देखिए, गली ब्लॉक पड़ी है, नाली ब्लॉक पड़ी है, और आप एक लेंटर भी गिरोगे तो आपको एमसीडी में पैसा देना पड़ेगा। अच्छा आप बताइए, आपका तो यहाँ पे होटल है, क्या लगता है साफ सफाई होती है यहाँ पे? साफ सफाई सर, यहाँ महीने में 3 बार झाड़ू लगता है, और महीने में 3 बार 4 बार झाड़ू लगती है। उसके बाद मतलब नाली का कूड़ा उठाने आते हैं तो नाली का कूड़ा उठा के छोड़ देते हैं बाहर रोड पे, वो फिर दोबारा नाली में जाते हैं। डेली नहीं उठता? डेली नहीं उठता, कूड़ा उठता ही नहीं है ये, जब रोड पे झाड़ू अगर लगाते हैं। नेताजी को देख के तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं सर, हम तो यही रहते हैं हमेशा परमानेंट। अच्छा आप बताएं कि क्या लगता है कि अभी किस तरीके से जो मुद्दों पे बात हो रही है, काम हुआ है नहीं हुआ, आने के क्या उम्मीद, और पब्लिक का इस बार मूड क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे कौंसलर साहब यहाँ पे जो है गड्ढा कॉलोनी के, कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी काम नहीं है। अगर उन्हें फ़ोन करो ना तो मतलब ही नहीं है कोई, ये गड्ढा कॉलोनी में कोई मतलब ही नहीं है उनसे, ठीक है? ना कोई सफाई, ना कोई मुद्दा, किसी चीज़ का कोई कुछ काम नहीं है उनका बिल्कुल भी, ठीक है? हमने तो फ़ोन करके थक गए कि भाई हमारे काम करा दो, हमारे झाड़ू लगवा दो, हमारे यहाँ करवा दो, नाली सफाई करवा दो, मतलब ही नहीं है भाई साहब। मैं खुद जा के कई बार बोल कर आया हूँ ऑफिस पे, लेकिन कोई सवाल ही नहीं पैदा, आना ही नहीं है भाई साहब हमारे। तो फिर मूड क्या है इस बार? क्या मूड इस बार ये है कि अपना भाई आ जाए बस। अच्छा। अपना भाई जीते, हाँ अपने भाई, हमारे बीच का आदमी जीते यहाँ पर, और हम पूरी ताकत लगा देंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है ना? जाहिर सी बात है, क्योंकि एमसीडी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, यहाँ उम्मीद इस बात की है कि अपने बीच का कोई आदमी होगा
तो कहीं ना कहीं जो ज़रूरतें हैं, जो काम हैं, वो जल्दी हो जाया करेंगे, चाहे वो सीवर की बात हो, चाहे वो नाली की बात हो, या फिर कूड़ेदान की बात हो। लेकिन कई तरीके से MCD की जो हालात इस कॉलोनी में देखने को मिले वो बद से बदतर देखने को मिले। पिछले 5 सालों से देखा है कि खड्डा कॉलोनी के लिए यहाँ पे एक सोतला व्यवहार रखा गया है। जैसे आप वहाँ से एक कंप्लेन नहीं जाते हो तो खड्डा कॉलोनी में कोई सुनवाई नहीं। जैसे मेरे ख्याल में कि धार्मिक तौर पे कैसे भी लेके करी जाए, एक सोतला व्यवहार रहा है, पर सफाई कोई नहीं। अगर मान लो कभी नाली आती साफ भी करिए तो कूड़ा पड़ा हुआ है, वो वापस बैग नाली में ही जाना, उठाने वाला कोई नहीं आता। गंदगी का हाल आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है। तो हम तो बदलाव चाहते हैं, और हमें केजरीवाल जी ने बहुत सारी सहूलियतें दे रखी हैं, हमें समझ में आती हैं। तो जब वो विधायक उनके हैं थे पहले बने हुए थे तो ठीक काम हो रहा था। अब हमको असर भी चाह रहे उनका आ जाए तो कुछ काम अच्छा होता है, उसके लिए हम लगे हुए कि अगर आम आदमी आती है हम उसके साथ हैं। आम बदलाव का है और आम आदमी का ही है, हमारा मूड जो है हमारा आम आदमी का बनाने का। पब्लिक का मूड, वार्ड नंबर 184, हालात बद से बदतर। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का कहना है, ना कोई कूड़ेदान है, ना नाली की सफाई है, ना कूड़ा उठता है। जिस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, ये देखिए एक प्लॉट है जिसको कूड़ेदान बना दिया गया है। स्थानीय लोगों का सारा कूड़ा इसी प्लॉट में आकर पड़ता है, उठाने के नाम पर किस तरीके से होता है। ये प्लॉट में जो कूड़ा पड़ा ये उठता है कभी नहीं उठता है, कभी नहीं उठता, नहीं उठता है। यहाँ पे जो है ना सारे सफाई भी नहीं होता है, ना सफाई करने वाला आता है, कोई कोई नहीं आता इस वार्ड में, कोई नहीं आता है सफाई कोई करने के लिए नहीं आता है, ना इस प्लॉट से कूड़ा उठता है। ठीक है, मजबूरन हम ही लोगों को साफ करना पड़ता है, मजबूरी। कूड़ा भी तो आप ही लोगों का है ना यहाँ पे। हाँ सब उठाने के लिए नहीं आते, उठाने के लिए नहीं आता है, कोई गाड़ी नहीं आता इधर, कोई नहीं आता इधर सफाई करने के लिए। इस बार क्या मुद्दे क्या है आपका, मूड क्या है कि इस बार पार्षद का चुनाव होगा तो किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? हम तो साफ सफाई के लिए कराएंगे, कूड़ेदान के लिए कराएंगे, जो साफ सफाई करे हमारा गली का साफ सुथरा रखे। कौन आना चाहिए फिर MCD में? MCD में देखो सबका मूड है, पब्लिक का मिजाज है, देखो उसी तरह आम आदमी का आना चाहिए। अब देखो क्या हो रहा है, आप कह रहे थे कुछ है, क्या नाराजगी है क्या? मैं नाराजगी भैया ये है कि 5 साल वो काउंसलर रहा, ठीक है, उधरी का उनने काम करा, इधर आया ही नहीं। भाई किस बात की नफरत हमसे, वोट ना दिया तुझे नहीं आया, बहुत बार कहा भाई साफ करा ले। भाई साहब जी खुद ना खुद हम नालिये साफ कर रहे हैं 5 साल से बराबर लगातार है, और कोई साफ करने वाला ही नहीं है यहाँ पे। हमने नालिये साफ करी है सब, बताओ अपने आप से। कूड़ा भी उठाने नहीं आता कोई, अभी कोई नहीं कहाँ उठा लिया, देखो आपके सामने रखा हुआ है, देखो क्या हाल। शिकायत करते तो क्या बोलते हैं पार्षद साहब? सुनो मैडम, शुक्ला के पास मैं खुद गई जब वो थे, तो मैं गई, उन्होंने ये कहा पहले आप अपने वो रुकवाइए फ्लैट, उसके बाद में रेनू में आऊंगा नालिये साफ करवाने के लिए। अब पाकिस्तान कहते हैं हमारे इधर 12 नंबर को पाकिस्तान कहते हैं शुक्ला, बताइए आप काउंसलर का ये तरीका होता है? मैं खुद गई, मुझसे उन्होंने ये कहा, और मैंने कहा देखो वहाँ बहुत गंदगी है, हमारी ईद आ रही है, रमजान आ रहे हैं, लेकिन 5 साल में शुक्ला ने एक दिन हमारी 12 नंबर की नाली साफ नहीं कराई है, एक दिन, एक बार नहीं। कूड़ा भी नहीं उठाते यहाँ से, कुछ नहीं, कोई काम नहीं होता। नहीं, गाड़ी वाला आता है, वो भी जब से आता है, जब से बोरा ने मुझे नंबर दिया है गाड़ी का, जब से कूड़ा उठ रहा, नहीं तो इससे पहले कूड़ा भी उठाने गाड़ी नहीं आती थी, नहीं। तो ऊपर किसी से शिकायत की आपने MCD में? क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए आप, क्या करेंगे? एक दफा शिकायत हो ये आ जाएंगे, फिर नहीं आएंगे, क्या करा जाएगा? जो मेन होता है, जो इस बार हमारे, तो इस बार किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करेंगे? झाड़ू पे देंगे, झाड़ू के साथ हूँ मैं, क्योंकि आज अब 4 साल से बोरा काम करा रहे हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, लेबर कार्ड, हॉस्पिटल का सब बोरा करा रहे हैं, हम तो बोरा के साथ है खुला। आपने देखा वार्ड नंबर 184 में क्या है पब्लिक का मूड, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, तीनों वादे और पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने की कवायद जरूर कर रहे हैं, घोषणा जरूर कर रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों पर जनता ने किया है वोट, किसके करेगा, ये तो आने वाली 4 तारीख को साफ हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ 15 साल का वर्चस्व क्या BJP कायम रख पाएगी, या फिर इस बार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सेंध लगाएगी? कांग्रेस का कितना बड़ा जनाधार, क्या
भरोसा वापस लौट रहा है कांग्रेस का, या जिस तरीके से लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, आखिरकार इस वार्ड में जो जो चीज़ें हैं उन पर कितना खरा उतर पाएंगे यहाँ के नेता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले वार्ड में मिलेंगे एक नए कहानी के साथ, नए मुद्दों के साथ और नई चीज़ों के साथ, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव में उन सब मुद्दे कैसे और कब हावी होने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। कोई कूड़ा नहीं उठता, कोई गली साफ नहीं होती है, काम नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी काम नहीं है। अगर उन्हें फोन कर